नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा शानदार स्टॉक शेयर करूंगा जिस पे आप लाइफ लॉन्ग भरोसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या है स्टॉक का नाम, क्या अभी खरीद लें, ये सारी चीजें आगे कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, जो भी ब्रोकरेज है या गवर्नमेंट की फीस है वो आपके लिए क्लियरली सामने दिखती है। ऐसा कुछ नहीं कि छुपा के कोई हिडन चार्जेस हैं। एंड इस समय मोर देन 40 लाख क्लाइंट्स अपस्टॉक के साथ जुड़ चुके हैं, तो ये अपने आप में एक भरोसे वाली बात है और रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है। अब वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और ये भी टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत में कौन से समूह पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है तो आपके मुंह से निकलेगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप पे भरोसा हर एक बंदा करता है क्योंकि सबको पता है कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता अगर हमने टाटा ग्रुप में पैसा लगाया है, हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा अगर हमने टाटा ग्रुप पे भरोसा करा है। देखिए, शेयर में पैसा लगाया, शेयर गिर गया, वो एक अलग बात है, लेकिन टाटा ग्रुप पे भरोसा आपको पूरा पूरा होगा। अब ये भरोसा ग्रुप पे है, किसी पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं है। तो फिर एक ऐसा शेयर जो पूरा ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता, कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं है, कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, ये पूरा ग्रुप है। और अपनी बात करूं मैं तो इस शेयर में मैंने आप सभी के साथ खरीदारी करने की राय दी थी जब इसका भाव 2200 रुपए 2000 रुपए का था। तब मैंने कहा था कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसे मिस नहीं करना है, क्योंकि जो टाटा स्टील 104 रुपए पे दिख रहा था वो क्लियरली 120 से लेकर 125 के टारगेट दिखा रहा था। जो टाटा मोटर्स 400 पे था वो 600 रुपए की बात कर रहा था। जो टाटा केमिकल 900 पे था वो 1050 की बात कर रहा था। जो टाइटन 2500 पे था वो 3200 रुपए जाने की तैयारी में था। जो टीसीएस 3000 पे था उसपे 3600 से 4000 के टारगेट थे। तो जब पूरे टाटा ग्रुप पे व्यू बुलिश था तो फिर टाटा ग्रुप क्यों नहीं खरीदूंगा मैं, किसी स्टॉक में ही तो गलती हो सकती है। ये 6-7 स्टॉक मैंने नाम शेयर करे आप सभी के, ये 6 के 7 के 7 शेयर नहीं परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पर्टिकुलर स्टॉक तो नहीं पता, बट इनमें से अगर 4 भी शेयर चले तो ग्रुप तो चलेगा ही चलेगा। अब इस ग्रुप का एक ETF है, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इस शेयर को मैंने 2200-2000 रुपए पे शेयर किया था, आज 3200 रुपए पे आ गया है, 3500 रुपए का हाई लगाया स्टॉक ने परसों थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। ये समय अभी खरीदारी करने के लिए सही नहीं है, लेकिन इससे एक चीज आपको पता चल गई है कि शेयर बाजार में टाटा ग्रुप लाइफ लॉन्ग है और टाटा ग्रुप पे भरोसा करने के लिए आपको टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प का शेयर खरीदना है और रखना है। लेकिन भाव हर चीज का होता है, एक भाव से ही अच्छी चीज लगती है। अब अगर मैं टाटा इन्वेस्टमेंट का करंटली खरीदूंगा तो टाटा मोटर्स 650 पे, जो कि डेफिनेटली 900 हो सकता है, लेकिन समय लग सकता है 1-1.5 साल का। बट टाटा स्टील ऑलरेडी मुझे लग रहा है 140 के पास पहुंच गया यार, ये मैक्सिमम 125-30 पे अभी 140 ठीक है, इससे नहीं। टाइटन 3200-3300 पे ऑलरेडी आ गया, वो कभी भी करेक्ट हो सकता है। तो अभी क्या है कि इस समय उतना कॉन्फिडेंस बाकी के स्टॉक्स में नहीं है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी मैं ये कहूंगा कि आपको कोई डिप 2600 से 2500 की मिले तो इसे जरूर लेना है। हम लोग हमेशा भरोसा कर लेते हैं, दिमाग में अच्छा लगता है, बट भाव देखकर डगमगा जाती है हमारी सिचुएशन। एक जो शेयर बाजार में काम कर रहा है ना, शेयर बाजार में जो काम करता है, जो खरीदता है, वो वही खरीद पाता है जो पैसा लगाने की दम रखता है। अदरवाइज इफ और बट वाले तो मार्केट में बहुत लोग हैं, अरे थोड़ा गिर जाएगा तो लूंगा, और गिरने का अरे अभी तो गिरावट शुरू हुई है और गिरेगा, ये सारी चीजें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं। एक्चुअली में आज तक कोई बॉटम पे नहीं खरीद पाया और आज तक कोई टॉप पे नहीं बेच पाया है। आपको सिर्फ एक शेयर चुनना है, भाव चुनना है। आज मैं 3200 रुपए पे अगर कह रहा हूँ 2500 रुपए पे खरीदूंगा तो जब 2500 पे आएगा तो ये नहीं कहूंगा कि 2000 हो जाए, 2500 पे फिर ले लूंगा, उसके बाद वो 2400 हो जाए 2300 हो जाए वो मेरी मर्जी नहीं है, वो कंपनी की मर्जी है। वो शेयर ऊपर चल रहा है लेकिन मेरे को पता है उसका एक्चुअल भाव उससे ऊपर है तो वो जाएगा ही जाएगा। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा शेयर है जो टाटा ग्रुप का ETF है। जैसे आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाते हो, 50 कंपनी डायरेक्ट खरीद ली टॉप 50 भारत की, ऐसे ही टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प का मतलब है टाटा ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनी जितनी है उनका ETF, चाहे अब नेल्को परफॉर्म कर ले, वोल्टास परफॉर्म कर ले, या आपका TCS परफॉर्म कर ले। अगर मार्केट कैप टाटा ग्रुप का बढ़ेगा तो इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, इतना आप याद रखना। तो ये एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना के दे सकती है, निश्चिंत तौर पर यहाँ पे निवेश करें।
और टाटा ग्रुप मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो कहेगा यार नहीं चलेगा। अपस्टॉक जिसका मैंने आपके साथ अभी अभी बोला कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां भी रतन टाटा जी जुड़े हुए हैं। और सबसे तेजी से इस समय जो क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वो अपस्टॉक पे कर रहे हैं क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है रतन टाटा जी का। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।